स्टूडेंट्स, ये क्लोनल सिलेक्शन के बारे में आपको बताना है। आपको इतना ध्यान में है कि जब बी सेल फर्स्ट टाइम एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मेमोरी सेल में चेंज हो जाता है, और जब वही मेमोरी सेल उसी टाइप के एंटीजन के कांटेक्ट में दोबारा आता है तो वो क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। ये जो क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स हैं, ये एक ही मेमोरी बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं, उस फेनोमेना को हम क्लोनल सेलेक्शन कहते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये क्या है कि जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, हर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड। तो ये 2000 एंटीबॉडी उस क्लोन ऑफ प्लाज्मा के एक ही प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ दिखाया गया है कि जब एंटीजन की एंट्री बॉडी में होती है तो जो मेमोरी बी सेल होता है वो प्लाज्मा सेल बनाएगा, और बाकी जो बी सेल होंगे वो मेमोरी सेल में चेंज होंगे। अब ये प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस हुआ ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और ये जो मेमोरी बी सेल हैं जब ये दोबारा कांटेक्ट में आएंगे तो ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन फार्म होगा। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक कोर्स है यहाँ पर। अब आइए लिम्फोकाइन क्या है। लिम्फोकाइन जो है, जो टी सेल्स होते हैं वो भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोटीन का नाम है लिम्फोकाइन। लिम्फोकाइन इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिम्फोकाइन। लिम्फोकाइन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रेगुलेशन के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है जिसमें अमीबा लाइक सेल्स आते हैं, माइक्रोफेज आते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा पर पाए जाते हैं, कुछ फैगोसाइटिक माइक्रोफेजेज होते हैं जो हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के, ये पाए जाते हैं। अब फिर इसके बाद आता है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी क्या है। देखिए, प्राइमरी इम्यूनिटी क्या है, जब हमारी बॉडी एंटीजन के साथ पहली बार कांटेक्ट में आती है तो वो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस है। ये लंबे समय इसका मतलब ये है कि जब ये काफ़ी लंबा समय लेता है इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में, देख लिखा है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। और फिर क्या है, ये बहुत छोटे समय के लिए होता है या शॉर्ट लिव्ड होता है, डिसअपियर हो जाता है। फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या है, जब हमारी बॉडी दूसरी बार उसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है जिससे पहली बार आ चुकी है, वो क्विकली इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करती है और ये लंबे समय तक सर्वाइव करती है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का डिफरेंस है, इसको तैयार करेंगे।